हेलो बच्चों, कैसे हो? आठवीं कक्षा संस्कृत पाठ नंबर 5 कंठ के नेवकंठकम अभ्यास का चौथा क्वेश्चन देखिए। संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखिए। मृग आदि नाम तो हो जाएगा मृगादि नाम, गय को आ हो जाएगा, इस आ को यहाँ मात्रा के रूप में जोड़ देंगे। आगे हैं तथा एव, तो तथैव हो जाएगा, यानी ए को आई हो जाएगा और वो थै के ऊपर आ जाएगा, तथैव। उसके बाद है कुत्र जमा अपि, इसको हो जाएगा कुत्रापि, तो ए जमा ए आ हो जाएगा कुत्रापि। बुभुक्षित है अस्मि, ये कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसका हो जाएगा बुभुक्षितोस्मि, ये देखो बुभुक्षितोस्मि। विसर्गों को हो गया ओ, और जो ए था ए को अवग्रह हो जाता है, ये एस की तरह लिखा जाता है। अवग्रह क्या काम करता है? अपने से पहले जो स्वर है उसको द्विगुणित कर देता है। ओ को दो बार उच्चरित करना होगा, बुभुक्षितोस्मि, ठीक है। अगला देखिए प्रतिजमा आजमा अवर्तत, तो इसका हो जाएगा प्रत्यावर्तत। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से हो जाएगा प्रत्यावर्तत, क्योंकि ई के बाद ए आ आए तो ई को यह हो जाता है, तो प्रत्या ई को ये और आ इसमें जुड़ जाएगा, प्रत्यावर्तत, ठीक है प्रत्यावर्तत। पांचवा प्रश्न देखिए, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें एक उदाहरण दे रखा है और फिर तीनों वचन रूप दे रखे हैं इसके, एक वचन द्विवचन बहुवचन। जैसे मातृ का प्रथमा विभक्ति तीनों वचन यहाँ दे रखे हैं, फिर वैसे ही हमने स्वश्री के प्रथमा विभक्ति तीनों वचन लिखने हैं। पहले मातृ के रूप देखिए आप, प्रथमा विभक्ति एक वचन माता आ जाएगा, द्विवचन मातृव आ जाएगा और बहुवचन मातृ है, ये इन्होंने दे दिया। इसके बाद इसी के अनुसार स्वश्री का लिखना है, वो देखिए। जो स्वश्री है उसका एक वचन होगा स्वसा, द्विवचन होगा स्वसारव, बहुवचन होगा स्वसार। नंबर दो पर है मातृ की तृतीया तीनों वचन, मात्रा मातृभ्याम मातृभि, इसी प्रकार स्वश्री के बनाने हैं। स्वश्री का एक वचन हो जाएगा स्वसरा, द्विवचन स्वश्रीभ्याम और बहुवचन स्वश्रीभि हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे भाग में क्वेश्चन में मातृ की जगह स्वश्री दे दिया और विभक्ति दे दी सप्तमी। तीनों वचन देखिए, स्वश्री स्वश्रो हो स्वश्रीषु, ठीक है। अब इसको मातृ में बनाना है, तो इसका मातृ रूप क्या होगा, मातृ मात्रोह मातृषु, एकवचन द्विवचन बहुवचन, सप्तमी के हैं ये, ध्यान रखोगे सप्तमी के। नंबर चार पर दे दिया स्वश्री का षष्ठी रूप तीनों वचनों में, स्वसुः स्वश्रोः स्वश्रीणाम। ध्यान देखिए, इसमें दीर्घ री है, री री स्वश्रीणाम, ठीक है। अब इसको हमने मातृ में बदलना है, तो मातृ में हो जाएगा षष्ठी रूप मातुः मात्रोः मातृणाम, इसमें भी दीर्घ है, दीर्घ री मातृणाम। छठे प्रश्न में आ जाओ, मंजुषात है पदानि चित्वा कथां पूरयेत, सारणी से पद चुन करके कथा को पूरी करिए। एक लघु कथा दी गई है जिसमें खाली स्थान है, सारणी में दिए गए शब्दों से हमने चुन करके उचित शब्द भरते हुए वो कथा पूरी करनी है। पहले शब्द देखते हैं, दृष्ट्वा देखकर, स्वकीय ही अपने, कृतवान काटकर, कर्तनम काटना, वृद्ध है बूढ़ा, अट्टहासम अट्टहास पूर्वक यानी ऊंची आवाज़ में हंसना, तर्री माने तो, क्षुद्र है छोटा, मोचितुम छुड़ा करके, अकस्मात अचानक, ठीक है अकस्मात, ये देखो अकस्मात अचानक। अब कथा शुरू करते हैं। एकस्विन मने एक है खालिस्तान व्याघ्र है आसीत, एक जंगल में एक खालिस्तान बाघ था, तो यहाँ क्या फिट बैठेगा, तो वृद्ध है आ जाएगा, एक बूढ़ा बाघ था, वृद्ध है, ठीक है। आगे देखो, स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध है अभवत, वह एक बार शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। स वह या उसने, बहु प्रयासम खालिस्तान किंतु जालात मुक्त है न अभवत,
उसने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास खालिस्तान लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। तो यहाँ क्या आएगा, किया, किया के लिए क्या शब्द आया था, कृतवान, कृतवान आ जाएगा। खालिस्तान तत्र एक मुष्क समागच्छत, खालिस्तान वहाँ एक चूहा आया, तो चूहे के लिए कौन सा शब्द आ सकता है, अकस्मात, अचानक वहाँ एक चूहा आया। आगे देखो, बद्ध व्याघ्र, बद्धम व्याघ्रम खालिस्तान सतम अवदत, अहो भवान जाले बद्ध है, बंधे विभाग को खालिस्तान उसने जो है उससे कहा, अरे तुम जाल में बंधे हुए हो। तो यहाँ आएगा दृष्टवा, बंधे हुए बाघ को देख कर, तो दृष्टवा आ जाएगा। उसके बाद है अहम तुआम खालिस्तान इच्छामि, मैं तुम्हें खालिस्तान करना चाहता हूँ, क्या मुक्त करना चाहता हूँ, तो मोचयितुम, तो अहम तुआम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्र खालिस्तान अवदत, अरे तुम क्षुद्र जीव मम सहायम करिष्यसि, उसे सुनकर के बाघ खालिस्तान बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव मुझे मेरी सहायता करोगे। तो इस तरह से उसने कहा। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, उसने मजाक में कहा था, तो सा ठहासम यानी जोर से हंसते हुए, ठहाका लगाते हुए, स अट्टहासम, तत्श्रुत्वा व्याघ्र सा अट्टहासम अवदत, अट्टहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा। तो आगे, यदि तुम माँ मोचयिष्यसि खालिस्तान अहम तुआम न हनिष्यामि, अगर तुम मुझे छुड़वा दोगे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो आ जाएगा, तो के लिए संस्कृत में आया है तर्हि, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तर्हि। उसके बाद है मूस्क खालिस्तान लघु दंते तत् जालम खालिस्तान कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृतवान, तो यहाँ आ जाएगा मूस्क है स्वकीय ही लघु दंते ही, चूहे ने अपने छोटे दांतों से तत् जालम उस जाल को क्या करके, कर्तनम काट कर, कर्तनम कृत्वा काट करके, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उसे बाघ को बाहर कर दिया। तो इस तरह से लघु कथा जो है पूरी हो गई है। आपने अपनी नोटबुक में इसको लिखना भी है, पूरी पूरी कथा को लिखना है, और पूरी कथा को लिख करके बीच बीच में खालिस्तान भरने हैं, जो शब्द आप भरोगे उसको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर आप डिफरेंट कलर में किसी पेन से भी लिख सकते हो। अब सातवां प्रश्न देखिए, धातु प्रत्यम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखिए, यानी यहाँ पर एक शब्द की एक स्थिति दे रखी है, धातु युक्त पर धातु और धातु में प्रत्यय लगा करके दे रखा, उसको आपने धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। उदाहरण भी दे दिया यहाँ पर, यथा यहाँ पदानी पद होंगे, यहाँ धातु होगी, और यहाँ उसमें जुड़ा गया प्रत्यय होगा, तो पद दिए हुए मिलेंगे और धातु और प्रत्यय हमने अलग करना है उसी में से। जैसे गंतुम है, गंतुम दिया हुआ मिलेगा, तो हमने गम जमा तुमुन, यानी गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना है गंतुम, इस तरह से भरना है, समझ गए हो ना। अब देखिए, दृष्टुम, तो दृष्टुम में क्या होगा, दृश्य जमा में तुमुन, दृश्य में क्या होगा, ताल्यव्य से गुंडी वाला जो से होता है वो, उसके नीचे अलंत लगेगा, दृश्य जमा में तुमुन, और तुमुन में इसी की ऊपर की बात ही जो है अलंत आएगा। फिर है करणीय, तो क्री कह के नीचे री, क्री जमा में अनियर प्रत्यय, अनियर में भी रह को हलंत लगेगा और नय पर बड़ी की मात्रा आएगी। फिर है पातुम, पातुम में पा धातु होगी और तुमुन प्रत्यय होगा, जैसे ऊपर तुमुन दे रखा है धातु पा। खादितुम, तो खाद धातु, खाद में दय हलंत, ठीक है, तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, कृत्वा में कह के नीचे री यानी क्री धातु और कत्वा प्रत्यय, आधा कह आधा तय और वा कत्वा प्रत्यय, ठीक है, एक मिनट आप इसको अच्छे से देख लो। खादितुम का खाद जमा तुमुन और कृत्वा का क्री जमा कत्वा, क त वा कत्वा, ठीक है, आपका ये अभ्यास पूरा हो गया है।